नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुरादाबाद के मदरसे में छात्रवृत्ति घोटाला। शिक्षक के नाम से निकाल ली गई छात्रवृत्ति। अंग्रेजी माध्यम से इंटर करने वाले छात्र भी छात्रवृत्ति लिस्ट में। पार्किंग के मुद्दे पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ADA का धूलमूल रवैया। अवैध पार्किंग पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से नहीं मिला जवाब। छपरौली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता आत्माराम तोमर की संदिग्ध हालात में मौत, जताई जा रही हत्या की आशंका। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। प्रत्याशियों पर भी होगा मंथन। यूपी के बाराबंकी में ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा हुआ दर्ज। महाराजगंज व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा फेसबुक पर फर्जी ID बनाकर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दिलीप पटेल पुत्र वीरेंद्र पटेल निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 32 अदद सिम कार्ड, 15 अदद आधार कार्ड व 3 अदद मोबाइल सेट बरामद किया गया, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली में IT Act पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। अभियुक्त द्वारा फेसबुक प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से अजय नाम से फर्जी फेसबुक ID बनाकर पीड़िता के प्रोफाइल से उसकी फोटो को अश्लील कमेंट करना व पीड़िता को बार बार धमकी देना, बदनाम करना आदि जैसे कृत्य करने पर अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी शादी वर्ष 2020 में निशा पटेल उर्फ बीनू पटेल निवासी कसमरिया महाराजगंज से हुई थी। मुझे शक था कि निशा का शादी से पहले सुमेश्वर पुत्र सुभाष पटेल निवासी नेतासुर हुरवा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज से गहरी दोस्ती थी। इस वजह से मैं मानसिक तनाव में रहता था, इसलिए मैंने बदले की दुर्भावना से सोमेश्वर की चचेरी बहन पीड़िता को सामाजिक रूप से बर्बाद करने का निर्णय लिया। ये देखिए, दिनांक 27/8/21 को एक अविवाहित लड़की के द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये अवगत कराया है कि मेरी फेसबुक से फोटो लेकर किसी व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अजय नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल तैयार करी गई है और उस प्रोफाइल पर उस लड़की की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो इस प्रार्थना पत्र की जांच साइबर सेल के द्वारा की गई है, तो जांच में ये पाया गया कि जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल ID से ये फर्जी फेसबुक ID तैयार की गई थी, वो अभियुक्त दिलीप कुमार पटेल निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना कोतवाली की है। तो जब इनका नाम आने पे इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इनके पास से बरामद मोबाइल में वही डॉक्यूमेंट जो फेसबुक पे अपलोड किए गए थे वो इनके ईमेल ID पे मिले और जिस नंबर से वो फर्जी फेसबुक ID बनाई गई थी वो इनकी पत्नी की ID निकली। इस पे इनकी गिरफ्तारी की गई और थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी की गई। ऐसा क्यों हुआ? जो घटना का मोटिव इन्होंने दिखाया है, इनको ये शक था कि जो अविवाहित लड़की है उसका भाई इनकी पत्नी से प्रेम करता है और उसके कुछ अवैध संबंध हैं, तो उस भाई को परेशान करने के लिए इन्होंने उसकी बहन को टारगेट करके ये अपराधी कृत्य किया है। 32 सिम कार्ड और जो आधार कार्ड है ये किसके नाम से? इसकी अभी जांच चल रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 32 सिम कार्ड मिले हैं, 15 आधार कार्ड मिले हैं और मोबाइल फोन मिले हैं, इसकी अभी जाँच चल रही है। ट्रेनों में जहर खुरानी, चोरी लूट जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए मानिकपुर GRP द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को मानिकपुर GRP पुलिस ने प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान नंबर 4 में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से लगभग 2 लाख रुपए के चोरी किए गए जेवर बरामद हुए हैं। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। GRP पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इमरान के निर्देश पर जहर खुरानों, ट्रेन स्नेचरों, चोरी व लूट जैसे वारदात करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मानिकपुर उपनिरीक्षक विषय देव, बुंदेला हेड कांस्टेबल परवेज खान, हेमंत कुमार व विकास कुमार प्लेटफार्मों की चेकिंग कर रहे थे। GRP पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 20 अप्रैल को एक मुकदमा लिखा गया था लूट का, जिसमें महिला का एक मंगलसूत्र, एक हार, 2 अंगूठी, एक चैन और पायल। ट्रेन रुकने के बाद कूद कर बादशाह पहाड़ के पास, ये मुझे में संजय सिंह
पुत्र नंगू सिंह निवासी सतुआ थाना राजापुर जिला करवी जो वर्तमान में किराए पर बांगा में बंगाली टोला में रहता है, इसके द्वारा घटना की गई थी। हमारी टीम में उप निरीक्षक विश्वदेव बुंदेला, एकांचल परवेज खान, हेमंत कुमार और विकास कुमार मिश्रा, इन लोगों ने पता रसी सुराग रसी करते हुए पता लगाया इसको और मुजरिम को पकड़ा। उसके पास से चोरी का सारा सामान बरामद हो गया। सर कहाँ पे पकड़ा गया था मुजरिम? मुजरिम प्लेटफार्म नंबर 4 पे आज सुबह 6:30 बजे पकड़ा गया है। तो इससे पहले भी इसने घटनाएं करी हैं? एक घटना इसने इसके पहले की है, अकेले करता है। एक घटना इसने और की थी क्राइम नंबर 4 की, जिसमें एक मोबाइल चोरी किया था इसने, वो मोबाइल भी बरामद हो गया। सर हेड कांस्टेबल परवेज खान बुंदेल का नाम आ रहा है, तो किस तरीके से उनको सुराग ऐसे मिला जिसके बाद उन्होंने ये गिरफ्तारी की? थोड़ी सी मदद हमें सर्विलांस से भी मिली और मुखबिरी के द्वारा इनको पता चला, तो इन्होंने उसको पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सब बता दिया, सारा सामान दे दिया। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव में शराबी पति द्वारा पत्नी के साथ हैवानियत और क्रूरता व मारपीट की सारी हदें हुई पार। शराबी पति हर रोज शराब के नशे में धुत होकर पत्नी के साथ करता है क्रूरता पूर्वक मारपीट। शराबी पति की रोज रोज की मारपीट से तंग आकर पीड़ित पत्नी ने थाना नारकी में पुलिस से की शिकायत। पीड़ित पत्नी की माने तो उसका कहना रहा कि मेरा पति रोज मेरे साथ जुल्म और मारपीट करता है। इसको लेकर आज महिला पीड़ित ने थाने आकर शिकायत की है। ये घटना में शराब पी के आके संजा के बाद पूछता नाचता है और मेरे खेतों में नराई करे हुए आता है, आगे दारू पी के आता है, नाचते हुए कूटत हुए। कौन मारता है? ये अजीत बाबा हमारे। अच्छा तुम्हारे पति? हाँ। अब तुम कहाँ आई हो? मैं अपने पियर आई हूँ। इस टाइम कहाँ पर आई हूँ? थाने। अच्छा। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्ष की मासूम के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया। रक्त स्राव होने के कारण मासूम की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने मासूम को चिकित्सीय परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। इधर पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना बुधवार की है। आरोप है कि 6 वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच गांव का 15 वर्षीय जितेंद्र पुत्र महेंद्र उसे फुसलाकर अपने साथ खेत पर ले गया, जहां युवक ने गन्ने के खेत में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। रोती हुई मासूम घर पहुंची तो उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिस पर पीड़िता के परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। घटना की जानकारी थाना प्रभारी धनंजय सिंह को दी। इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने घटना की जांच पड़ताल के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।